Hey guys, welcome back to my channel again. I am Amlan Sarkar, your host, and you are watching Courses for Ansibles. तो आज के वीडियोस में हम आज की जो वीडियो होगी उसमें हम एक और कॉलेज को रिव्यू करेंगे और जिस कॉलेज का नाम है जो बहुत पॉपुलर इंडिया में इन टर्म्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस वो है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. अब इसके में ना मैं बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगा और एक एक पार्ट पे एक एक इंस्टीट्यूट, इसके अंडर चार इंस्टीट्यूट है, शायद पाँच होंगे, चार या पाँच हैं. तो हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग इंस्टीट्यूट को रिव्यू करेंगे, नहीं तो एक वीडियो में अगर मैं उसको कंपाइल करने जाऊंगा तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप बोर फील कर सकते हो. ठीक है, और इस सीरीज का मैंने एक पहला एक वीडियो बना चुका हूँ पहले एमआईटी के ऊपर, एमआईटी नोएडा एंड एमआईटी गुड़गांव के ऊपर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा या फिर आई बटन में डाल दूंगा, कहीं पर डाल दूंगा मैं, आप जरूर उसको क्लिक कीजिए. और हाँ, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ. अगर आपको अगर आप एमटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो अगर तो वो वीडियो आप जरूर देखिए. तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. GFSU, हियर वी गो. ये नेट का प्रॉब्लम बहुत है यार इधर. लोडिंग एंड लोडिंग. और ये खुल गया, खुलते देख रहे हम यहाँ पे, देखिए एडमिशन 2020 का वो आ चुका है ऑलरेडी पोर्टल, इसके बारे में बात करेंगे अपन. ठीक है, एक एक करके बात करते हैं. यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बात करना, UGC रिकॉग्नाइज्ड है, AICTE रिकॉग्नाइज्ड है. ठीक है, तो हम सीधा आ जाते हैं एकेडमिक्स के ऊपर. और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था चार इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के बारे में. और इसके पहले हम जाते हैं पहले प्रोग्राम्स में. जी हाँ, यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं मैं दिखा देता हूँ. MSc इन फॉरेंसिक साइंस, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर डिग्री इन साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी विद मिनिमम 55% मार्क्स, SC ST के लिए 50% है, दो साल का ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ इंटेक्स 90 है और कोर्स फी 40,000. तो काफ़ी नॉर्मल है. ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं कंपेरेटिवली अगर बाकी आप यूनिवर्सिटी देख लो. ठीक है, फिर दूसरा कोर्स है इस इंस्टीट्यूट के अंदर MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. उसके बाद है MTech साइबर सिक्योरिटी एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, MSc साइबर सिक्योरिटी, MSc ओडोंटोलॉजी. ओडोंटोलॉजी के लिए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होना चाहिए और किसी और फील्ड से हो आप तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योरली डेंटल BDS के बच्चों के लिए है. ठीक है, इसके दो साल का कोर्स है, ये सारे MSc जितने भी है सारे दो साल के हैं. ठीक है, अभी हम मैंने इन सब कोर्सेज के बारे में, जो डिजिटल कोर्सेज इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं एक एक करके बता इंफॉर्मेशन ब्रोशियर में खोल लेता हूं ताकि आपके लिए इजी हो चीजें समझना. जी हाँ, ये मैं इनका जो है ये आप देख लेना, मैं अटैच कर दूंगा ये सारी इनका है. MSc डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सेमेस्टर वन में ये कोर्सेस है आपके, सेमेस्टर टू के कोर्स है, सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर. सेमेस्टर फोर जो 6 महीने का होता है, 6 महीने पे आप डिसर्टेशन में जाओगे, जिसकी इंटर्नशिप प्लेसमेंट ये लोग खुद लगा देते हैं, तो आपकी मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको कि आपकी इंटर्नशिप लगेगी नहीं लगेगी, वो ये इनकी जिम्मेदारी है. अब एडमिशन प्रोसीजर क्या है, MSc डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, टोटल 50 सीट्स है, दो साल का कोर्स है, चार सेमेस्टर है. अब कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, BE बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. और जो बच्चे BSc, IT, CS, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेंसिक साइंस विद कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, तो जो बच्चे ये सोच रहे, बेसिकली मुझे यही बताना था आप लोगों को, इसलिए मैंने ये पोर्टल खोला, कि जो बच्चे सोच रहे थे कि हम डिजिटल में नहीं जा सकते वो जा सकते हैं. MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फॉरेंसिक साइंस, BSc फॉरेंसिक साइंस के जो बच्चे होते हैं उनके सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स और डिजिटल क्राइम, कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो
सेम है, इक्विवेलेंट है ये कोर्स करने के लिए। और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए बच्चे और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स एससी एसटी ओबीसी के लिए और एसी बीसी के लिए 50% है, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 100% स्कोर ऑफ एंट्रांस टेस्ट कंडक्टेड बाय गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अब एंट्रांस में क्या क्या आएगा ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इट विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स और लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड अदर कॉन्सेप्ट्स टॉट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 50,000 प्लस अदर यूनिवर्सिटी फीस, जो कि आपको बाद में पता चल जाएगा। अब एमएससी साइबर सिक्योरिटी गाइस, इन्होंने ये कोर्स इसी साल स्टार्ट किया है, इसलिए 2 सेमेस्टर के हैं, बाकी नहीं है। और अगर आप देखोगे ना तो एमएससी साइबर सिक्योरिटी और एमएससी डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है। एंट्रेंस टेस्ट का भी प्रोसीजर सेम है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो बच्चे बीएससी फॉरेंसिक साइंस के हैं वो इन दो कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एमटेक साइबर सिक्योरिटी एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये इनका कोर्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। एडमिशन में 50 सीट्स है टोटल, और जो बच्चे बी और बीटेक के हैं वही अप्लाई कर सकते हैं और कोई नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द मेरिट बाय अडॉप्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एज डिसाइडेड बाय एकेडमिक काउंसिल। 100% गेट स्कोर फॉर द गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और 100% स्कोर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड फॉर नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बाय द गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। द प्रेफरेंस विल बी गेट गिवन टू गेट क्वालिफाइड ओवर नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इन द मेरिट लिस्ट। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। इसका प्रोसीडियर भी सेम है, 50 क्वेश्चंस होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ट्यूशन फीस है 65,000 पर सेमेस्टर एंड प्लस अदर यूनिवर्सिटी फीस। अब यहाँ पे प्लेसमेंट की बात अगर करते हैं तो प्लेसमेंट का अगर आप ये जो यहाँ पे हैं जितने भी डिजिटल फोरेंसिक के कोर्सेज हैं उन सब के प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज 80% है, ठीक है। ये देख रहे हो आप एवरेज स्टाइपेंड, जो इंटर्नशिप प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था वो आपके 25,000 और 25,000 INR ऑन एन एवरेज है एंड एवरेज पैकेज अराउंड 6 लाख पर एनम है। तो अगर आप फॉरेंसिक की बात करो ना तो फॉरेंसिक में एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम इज कमेंडेबल गाइस, इज रियली कमेंडेबल। तो एडमिशन वगैरह अगर आपको लेना है यहाँ पे तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है, कब नहीं हो रहा है सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब भैया बात करते हैं हम एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस। एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस के बारे में अलग से मैं बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को बताना है आपको, ठीक है। खुल जा मेरे भाई, खुल गया। हाँ, कोर्स स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये सारे सेम वन सेम टू के तो कोर्स लगभग सेम ही है, ठीक है, जैसा एमएटी का है। मैं सेम थ्री की बात कर रहा हूँ, सेम थ्री में मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जनरली इतने सारे स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस कहीं और आपको नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे मिल रहा है आपको। 1, 2, 3, 4, 5 डोमेन पे मिल रहे हैं। फर्स्ट डोमेन फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी, सेकेंड फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल रहा है यहाँ पे। फॉरेंसिक फिजिक्स, फिंगरप्रिंट्स एंड क्यूटी एंड साइबर फॉरेंसिक्स। तो जो बच्चे एमएससी इन डिजिटल फॉरेंसिक या साइबर फॉरेंसिक नहीं कर पा रहे, अगर वो एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन साइबर में कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट सेमेस्टर तो इंटर्नशिप और डिसर्टेशन में मिल जाएगा। 90 है टोटल सीट्स, 2 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई भी बैचलर्स ऑफ साइंस के बच्चे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 55% मार्क्स एससी एसटी के लिए, 50%। अभी एडमिशन प्रोसीडियर क्या होगा, सेम है, 100% जो विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अब एंट्रेंस में क्या आएगा, बहुत इजी है, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंसेस इंक्लूड्स बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंसेस। 50 क्वेश्चंस होंगे, दो ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सेमेस्टर फीस 40,000 प्लस अदर यूनिवर्सिटी फीस, ठीक है।
अभी प्लेसमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स आते हैं, और जो जो कंपनीज आते हैं इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए और जॉब प्लेसमेंट के लिए, वो HDFC, एर्गो, ICICI, लोमाबार्ड, वेदांता, इनकॉग्निटो एंड जितने भी हैं बाकी हैं। तो काफ़ी अच्छा है यार DFSU का, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, ये तो हो गया इनके रेगुलर कोर्सेस। अभी ई प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्होंने प्लेसमेंट रिपोर्ट दे रखा है, एक बार वो भी दिखा देता हूँ मैं। खुल जा, देख रहा है नेट। खुल जा सिम सिम, बेइज्जती हो रही है, खुल जा। कोई ना गाइस, इसको एडिट कर दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने देना कभी। खुल जा खुल जा खुल जा। एक मिनट गाइस, मैं फिर से कोशिश करता हूँ खोलने की। एक काम करूंगा मैं, इसको अलग से अब ऐड कर दूंगा, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है? नहीं तो क्या पता फिर से बेइज्जती हो जाए। ई कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, कौन से ई कोर्सेज अवेलेबल है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के अंडर। ठीक है, अभी देखते हैं ई कोर्सेज कौन से हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन ई डिस्कवरी, 40 आवर्स का कोर्स है, एक वीक में 5 दिन वर्किंग और एक दिन में 8 आवर्स। इसकी कोर्स फी है 8,000 फॉर स्टूडेंट्स एंड 12,000 फॉर प्रोफेशनल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओपन टू प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स इन IT एरिया और एनी वर्किंग पर्सनल हु डील्स इन डेटा गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन गवर्नेंस, एनी वर्किंग पर्सनल फ्रॉम पुलिस, लीगल, लॉ, टैक्स इन्फॉर्मेंस डिपार्टमेंट, एनी ग्रेजुएट, टेक सेवी, एनी वर्किंग पर्सन इन डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी कंप्लेंस कॉम्प्लायंस, ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, एनी स्टूडेंट अंडरगोइंग एनी कोर्स रिलेटेड टू फॉरेंसिक, साइबर, डेटा गवर्नेंस, और IBA RBI अप्रूव सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल कोर्स, साइबर सिक्योरिटी 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। एनी बैंक प्रोफेशनल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनी बैंक प्रोफेशनल वर्किंग ऑन IT, एनी स्टूडेंट वर्किंग विद IT बैकग्राउंड, एनी स्टूडेंट विद IT बैकग्राउंड और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज डिजीरियस ऑफ बिकमिंग साइबर डिजायर्स ऑफ बिकमिंग साइबर एक्सपर्ट्स इन BFSI सेक्टर। कोर्स फी इसका है सब मिला के 50,000 रुपये। ठीक है, ये आपके हो गए 2 ई कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के अंडर आते हैं। तो ये रहा कुछ फैकल्टी में दिखा देता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस फैकल्टी एक बार देख लेते हैं, कौन से कैसे कैसे फैकल्टीज हैं यहाँ पे। फुल टाइम फैकल्टी डॉक्टर HSO जुनेरे, ये डीन है, ये आपके कुछ प्रोफेसर यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉज पॉज करके आप देख लेना, मैं ये नहीं रिपीट नहीं कर रहा, ये बोरिंग हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छे अच्छे यार, जितना मेरे को दिख रहा है बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे, और ये ना सारे इंस्टीट्यूट के मिला के दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप फिगर आउट कर लेना कौन से टीचर कौन से इंस्टीट्यूट के हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के बारे में, जितना जो आपको चाहिए मतलब जो रेलिवेंट है अभी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और बाकी जो 3 और इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, इन एक एक करके मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, पहले इसका मैं बना दिया, अभी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस का बनाऊंगा, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ताकि ये वीडियोज थोड़े छोटे छोटे रहें और आपको बोर भी ना करे ज्यादा। अभी हम बात करते हैं अप्लाई करने की, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं पोर्टल पे, एडमिशंस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स ओनली, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन खुल चुका है ऑलरेडी,
applications for MS, IFS courses, IBS courses, IRD courses, and IMT courses. Management, Research, Behavioral Science and Forensic Science Department के चारों जो इनके इंस्टीट्यूट है सबके लिए सबका खुल चुका एडमिशन लिंक फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स ओनली. ठीक है, तो एनीवन हु इज सीइंग दिस वीडियो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कैन अप्लाई कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर GFSU इन द डिजायर्ड कोर्स यू लाइक. एंड जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन 1 मई से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट होंगे 15 जून, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा डेट ऑफ एंट्रेंस, किसी भी दिन हो सकता है, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2020 में होगा काउंसलिंग, थर्ड वीक ऑफ जुलाई सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जैसे स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, उसकी फिक्र आप ना कीजिए. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू, बाय बाय.